सात वर्ष डाले मैडम, कोई व्रत कोई उपवास नहीं छोड़ा मैंने। अब पता नहीं मैं माँ बन पाऊंगी भी या नहीं। तू ही इन सारी मुसीबत की जड़ है, तुझसे दूर गए बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जा रहा हूँ। नीलेश, उमेश, उमेश, हे उमेश, नीलेश। नवीन लग्न झालंय का? चार महिने पूर्ण झाले। खूप छान, काय नाव आहे? हमारे में इनका नाम नहीं लेते। अग बाई, नको सांगू, खूप लाजतेस हा? पहले तो मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे थे, पर इन्होंने मना लिया। अभी मैं इन्हीं के ही घर जा रही हूँ पहली बार। बराए बराए। किसी भी जुर्म की कहानी की शुरुआत जुर्म होने के साथ या उसके बाद होती है। उन वजहों को जानने की कोशिश करें जो आम आदमी को अपने मन में जागे हुए जुर्म के ख्याल को अमली जामा पहनाने की ताकत देती हैं, उसे मुजरिम बना देती हैं। हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ चलो आप। नंदू काका, नंदू काका, नंदू काका। अरे काय झालं वरडायला? उमेश भाऊ, निलेश भाऊ, क्या हुआ उनको? तुम्ही लॉकर चला देता। सर सर चलो जल्दी, चलो बाबा, चल जल्दी। ये दोनों बेटे तुम्हारे? हाँ साहब, दोनों बेटे मेरे और दोनों ही एक साथ रहते हैं। क्या अंकल? साहब वो बड़ा है ना, उसका नाम उमेश है और ये छोटा नीलेश। क्या करते थे दोनों? ये उमेश नासिक में नौकरी करता था और ये नीलेश यहाँ गांव में मेरे साथ खेती। अब कुछ दिनों में मैं मेरी खेती का बंटवारा करने वाला था, उन दोनों को दे देने वाला था, पण बगा काय झालं। किसी से कोई दुश्मनी? किसी की दुश्मनी नहीं थी हमारे साथ, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। मोबाइल तो होंगे ना दोनों के पास? हाँ साहब। नंबर याद है? नहीं साहब, घर पर लिख कर रखा है। घर में नंदन और उसके इन दोनों के अलावा बड़े वाले की बहू नीता भी साथ में रहती साहब। वहाँ बेटों की उनके साथ बनती ही थी, आपस में लड़ते रहते थे, इसीलिए तो पिछले एक साल से उमेश नासिक में पड़ा हुआ था। नंदन की घरवाली भी उन्हीं के साथ रहती है। सक्कू भाई, वो नंदन की भी क्या, होना ना होना एक ही बात है, मामूली सा बुखार था, आज तक उठ नहीं पाई। बाप बेटों में जम नहीं रही थी, पिछले कुछ समय से मामला पंचायत तक आ गया। सरपंच जी, खेती और जमीन तो बढ़ाने के लिए होती है ना, और मेरे पास ऐसी कितनी जमीन है, अगर वही बेच दूं तो मेरे लिए इस गांव में बचेगा क्या? मतलब हम नहीं बचेंगे तो चलेगा, लेकिन खेती चाहिए इनको। खेती का छाती वर्ती बांधून घेऊन जाणार काय तुम्ही? आता बोला। दो साल हो गए, बारिश हुई नहीं, पण शेतातन तरी काय येतं आता आपल्याला? मेरी बात सुन ले, ये बेटे लोग जो बोलते हैं ना वो करो, वो बोलते खेत बेचना है बेच दो और उन्हें उनका हिस्सा दे दो। अगर आप लोगों को लगता है तो बेचो, ढूंढो खरीददार। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। काहे दादा, और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा और। जल्दी करिए दादा। बहुत जल्दी है तुझे जाने की। हाँ अरे बस। एक विचारू का? हाँ। तेरी लगन को चार महीना हुआ है और अभी तू पहली बार सासरे जा रही है, ऐसा कसा? मेरे घर वालों की तरह भी इनके घर वाले हमारी लगन को तैयार नहीं थे, इनके घर से तो कोई भी नहीं आया हमारी लगन पे, और इसी बात पे इन्हें बहुत गुस्सा आ गया। बोले कि अब तो मैं तुम्हें जब भी उस घर में ले जाऊंगा जब तक कि सारे लोग आके तुमसे माफी ना मांग लें।
तो कोई आया फिर माफी मांगने? नहीं, पर मैंने भी सोचा कि घर के लोगों के रिश्तों के साथ ऐसे गांठ बांध के रहना क्यों? अगर मैं ही चली जाऊंगी तो छोटी थोड़ी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं इन्हें बिना बताए जा रही हूँ। और वैसे भी इन्होंने अपने बाबा से बात करी है खेत बेचने की, ये अपना हिस्सा लेकर इधर आ जाएंगे, और एक बार खेत बिक गया तो फिर कहाँ जाना होगा गांव? तो खेत बिक गया है या बिकना बाकी है? अभी नहीं, पन पन का है। चलो चलो भाई चलो। सर, उमेश और नीलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई थी, और मरने से पहले दोनों ने काफी अच्छी मात्रा में शराब पी रखी थी। सर, क्या हो सकता है पिलाई गई हो? हाँ सर, ऐसा हो सकता है, पहले किसी ने उन्हें शराब पिलाई हो और जब दोनों होश में ना रहे हो तो दोनों के हाथ बांधकर कुएं में धकेल दिया। लेकिन सर, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से दोनों की दूर दूर तक किसी से दुश्मनी नहीं थी। सरपंच ने तुम्हें यही बताया था ना कि नंदन अपने खेत को बेचना नहीं चाहता था? हाँ सर। हो सकता है यही कारण हो कि उसने अपने बेटों को मारा हो। लेकिन सर, एक बाप अपनी जमीन बचाने के लिए अपने दो जवान बेटों का खून कर सकता है? क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, वहां कुछ भी हो सकता है। बहुत झगड़े चल रहे थे तुम्हें और तुम्हारे बेटों में, आखिर वजह क्या थी? वो दोनों जमीन बेच के अपना अपना हिस्सा चाहते थे। देखा जमन है? साला, इस घर में तो आदमी को दो पढ़ाई का भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। पर इसमें मेरी क्या गलती? वो नीलेश भाऊ दासू भाऊ को लेकर आ गए थे, उन्होंने भी खाया इसलिए खाना कम पड़ गया। चुप। बस मेरी क्या एकदम चुप। ए उमेश, खबरदार उसके ऊपर हाथ उठाए तो। तेरी बीबी है ना, ये तेरा क्या रोज का नाटक चल रहा है रे? मेरी लुगाई है, मैं चाहे जो करेगा। आपको क्या लेना देना इससे? कितनी बार बोला है ये घर बेचो, जमीन बेचो, मेरे हिस्से का पैसा दो और छुट्टा करो। लेकिन नहीं, आपको तो मरने के बाद इसे छाती पर लेकर जाना है। तेरा दिमाग सटक गया है क्या? अरे घुमा फिरा के जमीन पर आता है। वो जमीन मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मरने के बाद छाती पे लेके जाऊंगा। क्या करेगा तू? काय करणार है तू? नहीं, काय करणार? काय करणार? उनको अपना धंधा करना था साहब, लेकिन उस जमीन पे मेरा बहुत लगाव था, इसलिए वो जमीन मैं बेचना नहीं चाहता था, और उसी वजह से मुझे ये रास्ता निकाला तुमने अपनी जमीन बचाने का। आपको लगता है मैंने मेरे बेटों को मारा है? मैं बोलता है साहब, तुम्हें भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा, वो भी जमीन के लिए। इस नंदन पर नजर रखो। जी सर। ये कौन है? सक्कू भाई, नंदन की बीवी, ऐसे ही पड़ी है 7 सालों से बिस्तर पर। इसका ख्याल कौन रखता है? खुद नंदन सर। सर, किसी सुरेश बड़वे का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है, जिसे सक्कू भाई का इलाज चल रहा है, इसी गांव का लगता है सर। चल तो सकती नहीं है, तो इलाज कैसे चल रहा है? डॉक्टर बड़वे खुद आके इसका इलाज करते हैं, हफ्ते में 2 दिन। कितने बच्चे हैं आपके? अब उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा ये मेरे को कैसे पता होगा साहब, लेकिन हाँ, वो बेचारी बहुत कोशिश करती थी कि उसकी गोद भरे, इसलिए वो उमेश को रोज टोचन देती थी। चले कुटे अस्पताल, वो डॉक्टर ने कहा था ना कि आपकी जांच। तेरे को कुछ नहीं बोला था तो आज तू फिर शुरू हो गई। जांच कराएगी मेरी? मेरी जांच कराएगी? मैं मर्द नाया है ना मर्दा है? देवा काहे बोलता, वो डॉक्टर ने कहा। बेड़ी हो गई तेरी वो डॉक्टर, बंद कर उसके पास जाना, और दोबारा जांच वांच का नाम लिया ना तुम, वो तोड़ देगा तेरा मैं, समझ ला काई? समझ ला? जांच। इसी कारण उमेश नासिक चला गया नौकरी के लिए। आओ, आई करना। देखो अभी भी वक्त है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलके यहीं पे कुछ कर लेंगे। तू ही इन सारी मुसीबत की जड़ है, तुझसे दूर गए बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जा रहा हूँ, और जिसको जो जो करना है वो करो, बस माला जाऊ दे। हाँ, लेकिन साल में 3 बार आया था बस। नीता उमेश काले का इलाज आप ही कर रही है? नीता,
जी हाँ। क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों रेड किया उसको लेकर? पागलपन इंस्पेक्टर, इलाज तो तब होगा ना जब प्रॉब्लम पता चलेगा। मेरे कई बार कहने के बाद भी उसके हस्बैंड कभी आए ही नहीं टेस्ट करवाने, और नीता हर महीने आ जाती थी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने। नीता तुम समझती क्यों नहीं, जब तक तुम्हारे और तुम्हारे पति के टेस्ट नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। मैडम करने वाला तो वो ऊपर वाला होता है ना, आप एक बार चेक तो करो, इस बार मैं पक्का से पेट से होंगी। पिछले 3 महीने से हड़ताल का कड़ा व्रत रख रही थी, और वो भी निर्जला, और सब कहते हैं कि ये व्रत कभी खाली नहीं जाता। थैंक यू। हमें पता चला है कि तुम्हारे पति देवर और ससुर में कुछ खास बनती नहीं थी, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ कहा हो? नासिक जहां वो काम करता था वहां किसी से कोई झगड़ा वगड़ा? उन दोनों को आखिरी बार तुमने कब देखा था? नंदन कहां है? वो बाहर है। उमेश साल में सिर्फ 2 या 3 बार गांव आया था, जबकि नीता हर महीने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के खातिर उसने किसी से रिश्ता बनाया और ये बात उमेश और नीलेश को पता चल गई हो, और इसलिए उसने अपने आशिक के साथ मिलकर उनका खून करवा दिया? सर अगर नीता ने घर से बाहर पांव निकाला होता तो इस बात की गांव में हवा जरूर होती, बहुत छोटा सा गांव है सर, ऐसी बातें गांव में कहां छुपती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई अंदर आया। एक काम करो कुलकर्णी, नीता के घर में पिछले 1 साल में कौन रेगुलर आता जाता था उसके बारे में पता करो। यस सर। आपसे बात करनी थी डॉक्टर साहब, आप इतने घबराए और बौखलाए हो क्यों हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला क्यों घबराने लगा, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बैठिए आप। थैंक यू। हमें पता चला है कि नंदन काले परिवार के साथ आपके काफी पुराना और गहरा रिश्ता है, पिछले 7 सालों में आप हफ्ते में कम से कम 2 बार उस घर में जाते हैं। जी हाँ ये बात सही है, दरअसल नंदन की वाइफ सकू भाई का ट्रीटमेंट मेरी अंडर हो रहा है और वो चल फिर नहीं सकती, इसी वजह से मुझे खुद जाना पड़ता है उसे देखने के लिए। आप उस फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उमेश की बीवी नीता को बच्चा चाहिए था जो उसे हो नहीं रहा था। जी हाँ जानता हूँ मैं ये बात। हमें शक है कि नीता के पति के अलावा कोई और भी है जो उसकी चाहत पूरी करने के लिए उसकी मदद कर रहा है। तो आप बताइए डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए, आपका उस घर में बड़ा रेगुलर आना जाना था, कहीं वो आप ही तो नहीं? यप, क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस मामले से दूर रखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये एक छोटा सा गांव है, और अगर ये बात यहाँ फैल गई तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि मेरी प्रैक्टिस पर इसका क्या असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, दोहरे कत्ल का मामला है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ना तो उस नीता से कोई रिश्ता है, ना मैंने उन दोनों भाइयों को मारा है, बल्कि परसों रात एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाने की वजह से मैं अपने घर भी नहीं जा पाया हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरे स्टाफ से पूछताछ करके देख लीजिए। वो तो हम करेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलो सर आपको क्या लगता है ये डॉक्टर सच बोल रहा है? पता नहीं लेकिन कुछ तो है जो छुपा रहा है, उस पर नजर रखो। सर हेलो, हाँ मान बोला। अच्छा ठीक सर, नासिक पुलिस का कहना है कि उमेश ने एक कंप्लेंट फाइल की थी, उसका कहना है कि उसके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था। हेलो पुलिस आई थी, अभी गए हैं वो लोग, आने वाले 10 दिन तक कुछ भी नहीं, फोन भी मत करना मुझे, कोई कांटेक्ट नहीं। भाव आपको उनके घर पता है? आधा घंटे बाद दूसरी बस आएगी, उसमें बैठ के चली जाना, समझ ली ना? पर भाव भाव सर, दासू गोड़के करके एक आदमी जमीनों की दलाली करता है, नीलेश के साथ उसकी काफी अच्छी यारी, जमीन को लेके उसी से बात चल रही है, काफी आना जाना था उनके घर पर। दासू गोड़के कोई ऑफिस है उसका? हाँ सर, यहाँ तो ताला लगा है, एक काम करो वहां जाकर पता करो।
ऑफिस वाले कह रहे हैं कि ये दुकान परसों से बंद है, फोन नंबर और घर का पता ले लिया है। गुड, चलो चलो। उमेश और नितेश जमीन बेचना चाहते थे और नंदन उसे बचाना, और अगर ऐसा नहीं था और इस जुर्म की वजह नीता थी तब भी दासू से उसकी करीबी उसके काम आ सकती थी। लेकिन एक सच ये भी था कि जहां नंदन और नीता पुलिस के सामने मौजूद थे वहां सिर्फ दासू ही था जो फरार था। दासू, तू गांव छोड़कर क्यों भागा? भागा? मी कुठे पळालो साहेब? मैं तो अपनी ससुराल गया था, वहां मेरी बीवी है, उसे बच्चा होने वाला था। कल सुबह फोन आया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं तुरंत दुकान बंद करके बस पकड़ के निकल गया साहब। वहां जाने के बाद वहां के पुलिस ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं तुरंत यहां भाग के आया। कल रात को ही मुझे लड़की हुई साहब, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बात बता, नीता के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है? उसके घर में तेरा बहुत आना जाना है, वो भी उसके पति के गैरहाजिरी में। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं तो बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? उमेश की पत्नी नीता हर महीने डॉक्टर के पास जाती है ये पता करने के लिए कि वो मां बनने वाली है नहीं। घर से वो बाहर निकलती नहीं, और तेरा उस घर में बहुत आना जाना है, और कुछ ज्यादा ही है। क्या समझे हम लोग इसका मतलब? नीता के साथ चक्कर है ना तेरा, घर आता जाता है तू उसके, और ये चक्कर उमेश को पता चल गया इसलिए तूने उसको मार दिया, साथ में अपने दोस्त नीलेश को भी। क्या किया तूने उसके साथ, अकेले मारा या नीता भी साथ में थी तेरे? मैंने मारो नीलेश और उमेश को, मेरा रिश्ता था नीता के साथ। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? खाली एक दिन हुआ है साहब मुझे बच्ची होके, उसकी कसम खा के बोलता हूँ साहब ये सब झूठे। नीता मेरी बहन की तरह थी साहब, हर भाई बीच के दिन वो मुझे राखी बांधती थी। कोई अपने बहन के साथ रिश्ता बनाता है क्या साहब, और अपने बहन के आदमी को कोई मारता है क्या साहब? मुझे तो यहाँ के पता चला कि उमेश और नीलेश नहीं रहे। सर एक पूरी पुलिस से कंफर्म हुआ है कि दासू जो कुछ कह रहा था सच कह रहा था, उसे लड़की हुई है सर, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, कल से वो उसी के पास था सर। अच्छा नंदन की क्या खबर है? सर उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन 24 घंटे के लिए मैंने उसके पीछे एक कॉन्स्टेबल लगा दिया है। सर उसने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से उसके ऊपर शक किया जा सके। नंदन अपनी जमीन बेचना चाहता था और दासू से उसकी ऑलमोस्ट फाइनल डील हो चुकी थी, यानी कि कत्ल का कारण जमीन नहीं है। मुझे लगता है वो ना हो नीता जो बच्ची को लेकर पागल थी उसका इस मामले से कोई कनेक्शन है। उमेश पर नासिक में हमला हुआ, हो सकता है कि उसके कत्ल के तार नासिक में जुड़े हों। लेकिन सर उमेश के साथ नीलेश का भी कत्ल हुआ जो कि कभी नासिक गया ही नहीं। हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक काम करो नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो और पूरे मामले की जानकारी लो, हो सकता है कि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हों। सर सर उमेश की फोटो लेकर एक औरत उसे गांव में ढूंढ रही है। कौन हो तुम, क्या चाहिए? देखिए मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, किसी ने बताया कि वो इसी घर में रहते हैं। ये देखिए ये फोटो, ये मेरे पति हैं, आप इन्हें बुला दोगी? क्या बोली तू? तेरा पति? जी हाँ ये मेरे पति। चुप कर, मेरा पति है ये। अरे 7 साल हो चुके हैं हमारे शादी को और तू बोल रही है तू पत्नी है? ये मेरे पति है, 4 महीनों के मेरे शादी को, प्लीज आप इन्हें बुला दीजिए, एक हफ्ते से घर नहीं लौटे इसलिए मैं देखने को आई हूँ। तू नहीं मानने वाली, रुक तुझे अभी बता। देखिए मैं सच बोल रही हूँ। देखिए मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पति हैं, हमारी शादी हो चुकी है। यही औरत है वो सर। हम भी वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी उमेश से शादी कब हुई थी? 4 महीने पहले।
मेरा लगन हुआ था, इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि इनका एक और भी लगन हो चुका है। अब तो मेरी कोख में इनका बच्चा भी है। मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी? आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? मेरे आई बाबा लंच हाउस चलाते हैं नासिक में, वहीं पे एक साल पहले मेरी उमेश से मुलाकात हुई थी। आराम से। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर आपकी अमानत मेरे पेट में है। सच्ची? हाँ। देख तू मजाक नहीं कर रही है ना मेरे साथ? नहीं। मैं सच में पापा पापा बनने वाला हूँ। मुझे लगा वो ये बात सुन के घबरा जाएंगे, हो सकता है वो मुझे छोड़ देंगे, पर नहीं सर, वो तो बहुत खुश हो गए थे, पर मुझे नहीं पता था वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे देंगे। देखिए आप अभी नासिक वापस चले जाइए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही कुछ पता लगता है हम आपको बताएंगे। एक काम करो, इन्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर। कुलकर्णी सर, इस सारिका के पीछे कांस्टेबल लगा दो, हो सकता है कि पूरे कांड के पीछे इसका हाथ हो। ओके सर। ये रहा बस स्टॉप, कुछ देर के बाद बस आएगी, आप चले जाना। सर सर कंफर्म हो गया कि डॉक्टर बड़वे का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो दवाइयां अपने मरीजों को देता है वो सबकी सब नकली है। इसका मतलब सक्कू भाई की जो हालत है वो इन्हीं दवाइयों का असर है। डॉक्टर को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। बोल सर, प्लीज सर, नहीं बोलेगा। प्लीज सर, एक मिनट सर, सर प्लीज सर। अब तू बोलेगा या फिर बुलवाऊं? मैं बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ। देखिए ये बात सच है कि मैं दवाइयों में मिलावट करता था, क्योंकि उससे एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इसकी और कोई वजह नहीं थी। सक्कू भाई को लेकर मेरी किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी। उसके दोनों लड़कों के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, बिलीव मी सर। अब तू सड़ यहाँ और चला अपना क्लिनिक यहाँ से। सर प्लीज 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 सर माफ कर दीजिए सर, सर सर। पुलिस थाने गया था तेरे बारे में पूछताछ करने के लिए। एक हवालदार ने मुझे बताया कि सच में उमेश ने तेरे साथ शादी की है और तेरी कोख में उमेश का बच्चा पल रहा है। चल बेटी जी अपने घर चल, मेरा बच्चा उमेश नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है। मैं बेटी चल अपने घर चल, ला चल। घर मैं तय करूंगा यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, समझी? जा अंदर, आ जा। देखो हम जानते हैं तुम्हारा जाति मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें खबर मिली थी कि तुम इसे यहाँ लेकर आए हो, इसके साथ कुछ गलत ना हो, बस हम ये देखने आए थे। एक बात और, डॉक्टर बड़वे को हमने नकली दवाइयों का धंधा करते हुए पकड़ा है। आपकी पत्नी की जो हालत है ना, वो उसी की नकली दवाइयों का असर है। काय सांगता है साहब, डॉक्टर बड़वे? हाँ। और ये मोबाइल, नीता के पास भी मोबाइल था, क्यों नहीं बताया? नीता की आई और कुछ रिश्तेदार आए थे, शायद उनमें से किसी ने दिया होगा। उस मोबाइल का हमें नंबर चाहिए।
सर नीता के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, उमेश के नासिक जाने से तकरीबन एक महीने बाद से। सर इस नंबर से कुछ नंबर्स पे बात होती थी, एक तो उसकी माँ का है, बाकी कुछ रिश्तेदारों के। लेकिन सर एक ऐसा नंबर है जिस पे अक्सर उसकी बात हुआ करती थी। किसका नंबर है? सर नीलेश का। लेकिन उसका नंबर और कॉल डिटेल्स हमने चेक किए थे ना? जी सर, लेकिन ये उसका दूसरा नंबर है सर, जिस पे वो सिर्फ नीता से बात किया करता था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कमाल है, देवर और भाभी एक घर में रहने के बावजूद फोन पर बात किया करते थे, क्यों? सर मुझे लगता है नीलेश ही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे थे। नीता के साथ जिसका संबंध था शायद वो नीलेश ही हो। और एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद नंदन को उनके रिश्ते के बारे में पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। जो भी सवाल पूछो उसके सही से जवाब देना, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना पांव से चलकर यहाँ से वापस नहीं जाओगे। लेकिन मैंने किया क्या है सर? बेवकूफ समझा तूने हमें? नीता के पास पिछले एक साल से फोन था, तुझे पता नहीं चला। और तो और, नीता और नीलेश का रिश्ता भाभी देवर से बदल के पति पत्नी का हो गया, तुझे भी पता नहीं चला? नहीं साहब, आपकी जरूर कुछ गलत फहमी हो गई, उनके पीछे ऐसा कुछ नहीं था साहब। कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास तुम्हारे और नीलेश के बीच की बातचीत का, और जब उमेश को तुम्हारे और नीलेश के संबंध के बारे में पता लगा तो तुमने उसको मार डाला। उमेश को क्यों मारूंगी साहब, प्यार करती थी मैं उससे, पति था वो मेरा, कैसे मार सकती थी मैं उससे? और नीलेश? नीलेश, नीलेश को भी नहीं मारा मैंने, वो तो मुझे बच्चा। तो तुम मानती हो तुम्हारे और नीलेश के बीच में नाजायज रिश्ता था? हाँ रिश्ता था दोनों के बीच में, ये मुझे पता था, लेकिन। लेकिन क्या? ये रिश्ता मेरी मर्जी का नहीं, मेरी मजबूरी का था, मुझे बच्चा चाहिए था, और मेरा पति वो ना तो मुझे बच्चा दे पा रहा था और ना ही इलाज के लिए तैयार हो रहा था। मर्द ना आया है, ना मर्द है देवा, काय बोलता, वो डॉक्टर ने कहा। बेड़ी हो गई तेरी वो डॉक्टर, बंद कर उसके पास जाना, और दोबारा जांच वांच का नाम लिया ना तुम, वो तोड़ देगा तेरा भाई। बेटा मुझे छोड़कर नासिक चला गया, क्या करती मैं, अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटती मैं, इसलिए मजबूर में आकर मुझे रिलेश के साथ ये सब। चुप रहना पड़ा साहब, गांव में किसी से बात करता, अगर गांव में किसी को पता चलता तो गांव में मेरी इज्जत और खानदान का नाम चला जाता साहब, इसलिए। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मेरा विश्वास कीजिए, जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैं घर पर ही थी, आप चाहे तो बाबा से पूछ लो, मैंने नहीं किया किसी का खून। नीता बोलेगी साहब आपको, उस दिन मैं घर पर ही था, कहाँ बाहर नहीं गया साहब, तुम्हें मला सांगा साहब, मी माझा पोरांना का मारीन, खरच मी नाही मारला साहब, साहब सुनो ना साहब, साहब। अब क्या करें सर, इन दोनों की बताई बातें आपस में मैच करती हैं, कोई अंतर नहीं। कहानी मैच होने का मतलब ये नहीं कुलकर्णी कि कहानी सच्ची हो, नंदन सारिका नीता में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। आमतौर पर झूठ इंसान को चकरा देता है, लेकिन यहाँ नीता और नंदन द्वारा बोले गए सच ने पुलिस को उलझन में डाल दिया था और संभावनाओं की लंबी लिस्ट को और लंबा कर दिया था। नीता की अपने पति उमेश के साथ साथ अपने देवर नितेश के साथ भी अपनी मर्जी से रिश्ता रखने की संभावना बनती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि नितेश ने इस बात को लेकर नीता को ब्लैकमेल करना चाहा हो और इसी वजह से नीता ने नितेश का कत्ल कर दिया हो? और अगर ऐसा था तो फिर उमेश क्यों मारा गया? या फिर उमेश को नीता और अपने भाई के बीच के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था, उसने पहले नितेश का कत्ल किया और फिर खुद आत्महत्या कर ली, लेकिन तब उसने नीता को क्यों छोड़ दिया? आखिर क्या था इन दोहरी हत्याओं का सच और कौन था असली कातिल? ए लड़की, तू मेरे पति के कमरे में क्या कर रही है? वो मैं बस आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, झूठा बोलते बाबा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा।
सुनीता आपसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी उसके पति ने किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर ली है और वो औरत प्रेग्नेंट है, तो फिर वो इतने सालों से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? मैंने इससे कहा, इससे मतलब एक ही निकलता है कि कमी उसके पति में नहीं बल्कि उसमें है। इनफैक्ट मैंने उससे कहा भी था कि एटलीस्ट वो टेस्ट करवा ले, लेकिन वो तो जिद पर अड़ी थी कि जो भी टेस्ट करवाई अपने पति के साथ ही करवाई। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बहुत बुरी हूँ मैं, कमी मुझ में थी और मैं दोष उनको देती रही। मेरे नसीब में इतना बुरा होना क्यों लिखा था? क्यों? इनका बच्चा, अभी समझ आया मुझे वो मुझे क्यों छोड़ना चाहते थे। काय जाला, पूरे 4 महीने बाद लौटे आप, क्या हुआ? तो जब माजा सी काई संबंध नहीं है, मुझे तोड़नी है ये शादी, अलग होना है, समझ ले? इसका मतलब उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, वो तुम्हें छोड़ के पूरी तरह से मेरे पास आना चाहते थे। मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा लगन उनके साथ हुआ है तो मैं उनसे कभी लगन नहीं करती। पूरे गांव में सारिका को उससे दो ही लोग जानते थे और उन्हीं दो के पास वजह थी इस मारने की। अरे हे काय करता है सर, वो मेरी बहू थी, उसके कोख में उमेश का बच्चा पल रहा था और आप मेरे ही घर पे धाड़ मार रहे हो। अंदर चेक करो। अरे साहेब, साहेब आई का ना, साहेब, साहेब आई का ना। कहना है आपको? उसकी कोख में बच्चा था, वो भी तुम्हारे पति का। ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी साहब। शुरू शुरू में बहुत जलन हुई मुझे, मेरा मन भी किया कि मैं उसे मार दूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि कमी मुझ में ही थी तो सारी नाराजगी दूर हो गई उससे। बस एक पाप किया था मैंने साहब। कैसा पाप? माजी भाई को, सकू भाई, उसके चलते हुए ये सब। पिछले 7 साल से बिस्तर पे पड़े थी, 7 साल से। ये सब तेरे कारण कर रहा हूं मैं, तेरी वजह से नरक में जाऊंगा मैं, नरक में सड़ूंगा मैं। शुरू से बताओ, कब और कैसे हुआ? साहब, उस दिन बाबा। अरे नहीं, रहने दो, रहने दो, मैं तो तेरे हालचाल पूछने के लिए आया था। तू डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बोली वो? बाबा वो इस बार भी कुछ नहीं हुआ।
इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, दोष मेरे बेटे का है। शायद उसके बस की बात ही नहीं। किसी औरत को बच्चा ना होना उसका अधूरापन है, और मैं तुम्हें ऐसे अधूरा नहीं देख सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। कैसे कुछ नहीं होता। अब देखना, बहुत जल्द तेरी गोदी में बच्चा होगा, वो भी लड़का। पापा। देखना तुम। बहुत शर्म आती थी साहब, लेकिन भूख होती है ना साहब, बहुत बुरी होती है साहब। भले ही वो भूख पेट की रहो, शरीर की रहो, जब लगती है ना सामने कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। नासिक में जो उमेश पर अटैक हुआ था वो तू नहीं करवाया था ना? वो उमेश नीता को बोला कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहने का, मैं तेरे को तेरी माँ के पास छोड़ेगा, नासिक चला जाएगा। मैं नहीं चाहता था साहब नीता मेरे से दूर जाए, इसलिए मैं नासिक गया। और बुढ़ा बोल दो कि मैं मरेगा तो मैं जमीन को छाती पे लेके जाएगा, मर ये छाती पे। लेकिन वो बच गया, और वो दूसरी बार नहीं बच पाया क्योंकि दूसरी बार तूने उमेश के साथ साथ नीलेश को भी मार डाला, और अपने बेटे को मारने का पाप वो किस मजबूरी में किया? नीता को बच्चा देने की उम्मीद लगाए मैंने उससे रिश्ता जोड़ा था, फिर कुछ महीने गए कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसने नीलेश के पास देखना शुरू कर दिया। नीता का और मेरा जो रिश्ता था ना, वही रिश्ता उसका और नीलेश का हो गया। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर मैं नीलेश का कुछ इलाज कर सकता हूं क्या, ये सोचने लगा। लेकिन उतने में उमेश ने जमीन बेचने की जीत पकड़ ली सर। मेरे दोनों बेटे ने मेरा सुख छीन लिया, इसलिए मैंने उनकी जिंदगी छीन ली सर। नीलेश, उमेश, आराम से होने दो। एकदम आपका हिस्सा आपको दिया, आपका हिस्सा आपको दिया। मेरे को जमीन बेचना मांग रहा बस। अरे वो जमीन की बात छोड़, ये हिस्सा मेरा है, वो मैं पीऊंगा। अरे नीलेश, अरे दूध पीतो क्या तू? दारू पीतो ना दारू? थम पुआ, खत्म कर। बग तुम में आता। बग चल। थोड़ा आराम कर, आराम कर, आराम 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 आराम। बाप हुआ मैं तुम्हारा बाप। सारिका को क्यों मारा था? उसको मालूम था मेरा और नीता का रिश्ता, उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, इसलिए। तू सारे सुख इधर ही भोग। अपनी चाहत का चुनाव और उसे पूरा करने का तरीका हमारी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। नीता की चाहत गलत नहीं थी, वो सिर्फ मां बनना चाहती थी जो कि हर औरत का सपना होता है, और दूसरी तरफ नंदन की चाहतें और जरूरतें भी नाजायज नहीं थी। दोनों की हालत और हालात
मुश्किल थे, लेकिन चुनाव का रास्ता दोनों के सामने खुला था। तय उन्हें ही करना था कि हालात से लड़कर सही रास्ते पर चलकर अपनी चाहतों को पूरा करें या फिर हालात के सामने हथियार डालकर गलत से समझौता कर लें। पर अफसोस के दोनों ने दूसरा रास्ता चुना। नंदन ने नीता का फायदा उठाना चाहा और नीता ने भी अपनी चाहत को अपनी मजबूरी बनाकर उसे अपना इस्तेमाल करने की खामोश इजाजत दे दी। इन दोनों के इसे गलत चुनाव ने ना सिर्फ उमेश और नितेश से उनकी जिंदगियां छीन ली, बल्कि उस मासूम लड़की सारिका और उसकी कोख में पल रहे बच्चे को भी मार डाला, जिन बेचारों का इस सब से कोई वास्ता नहीं था। ये बेहद जरूरी है कि हम सब अपने दिल में उठने वाली चाहत को नैतिक और सामाजिक भावनाओं की कसौटी पर कसने के बाद और उस पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही उसे पूरा करने के रास्तों का चुनाव करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सब। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।